वेलकम बैक। न्यूज ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल रखा था कि बड़े वजीर के पकड़े जाने के बाद पंजाब काबीना और पंजाब के जो इंतजामी अमूर है वो किस तरह से मुतासिर होंगे। अब अपने मेहमानों से जवाब लेंगे। सलमान साहब बताइएगा किस तरह से असरअंदाज होगी ये गिरफ्तारी पंजाब पर। देखें, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और आज यही सवाल हर जगह डिस्कस हो रहा है। जहाँ तक पार्टी पे और हुकूमत पे असरात की बात है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि एक शख्स से पार्टी का सीनियर वजीर था, सेंट्रल पंजाब का प्रेसिडेंट रहा है, इमरान खान साहब का दस्ते रास था, अगर वो अरेस्ट हुआ है तो यकीनन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि लोग ये कहेंगे कि इमरान खान साहब तो पाकिस्तान के अंदर शफाफियत के दावेदार थे, वो मौसर साहब की बात करते थे, वो ये कह चोर और डाकू की गर्दान करते थे। अब उनकी पार्टी के अंदर से अगर ऐसे लोग निकल रहे हैं तो यकीनन एक सवालिया निशान है। लेकिन एक बात मुझे पता नहीं कि ऑन एयर कहनी चाहिए या नहीं, एक शख्स को पंजाब में इसका मुझे फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, वो उस्मान बज़दार है। चूंकि उस्मान बज़दार साहब की हुकूमत के हवाले से एक आम तासर एक वक्त तक ये रहा है कि उनकी पावर्स जो है वो अलीम खान साहब इस्तेमाल करते रहे, और इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए कि एक जो शरीक है पंजाब हुकूमत का वो अगर जेल में चला गया तो यकीनन इसका फैसला पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव को होगा। ये बात दुरुस्त है कि आज चीफ मिनिस्टर हाउस में एक आला सतही इजलास हुआ, और ये बात भी मैं लोगों के सामने जरूर रखना चाहता हूँ। देखिए, जो हकायक है कि आज जिन बड़ों ने सर जोड़े हैं उन बड़ों के अंदर भी अलीम खान साहब के बहुत सारे मुखालिफ मौजूद थे, इसलिए कि उन सारों की मौजूदगी में अलीम खान साहब की ही बात सुनी जाती थी। सेंट्रल पंजाब उनके जुम्मे इमरान खान साहब ने दिया था और सेंट्रल पंजाब में बड़ी टिकट्स उनकी रिकमेंडेशन पे मिली। अच्छा, सलमान साहब आपने ये बात की है कि फायदा होने वाला है एक शख्स को जो कि वजीर आला पंजाब है। सर, फायदा किस तरह से होगा? एक बड़ा वजीर जो है वो वजारत से गया, आप कह रहे हैं फायदा होगा। देखिए, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि पार्टी पे और हुकूमत के इसके असरात क्या होंगे कि वो तो मनफी असरात होंगे। मैंने कहा अगर एक शख्स को, इसलिए कि जब मेरी पावर्स में कोई आदमी शेयर करता नजर आएगा तो मैं तो उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। इससे पहले सैकड़ों स्टोरीज मीडिया के जरिए आ चुकी है कि पंजाब के अंदर जो पावर सेक्टर है किसके पास है, सेंटर ऑफ पावर किसके पास है, तो उसमें कभी एक आदमी का नाम नहीं लिया गया। उस्मान बज़दार साहब थे, चौधरी सरवर साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, चौधरी परवेज अलाई साहब हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर किसी एक शख्स को इस गिरफ्तारी से फायदा हुआ होगा तो वो उस्मान बज़दार साहब हैं, कम से कम लोग उनकी तरफ देखेंगे। जमशेद साहब, आपकी तरफ आऊंगी कि इस गिरफ्तारी से क्या पार्टी और उस्मान बज़दार साहब फायदा उठाएंगे? देखें, जो पार्टियां होती हैं, हुकूमत होती है, उसको अगर उसकी मॉरल या मॉरल ग्राउंड्स हाई हों तो उसको जरूर फायदा होता है। सो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का जो नैरेटिव था, जो बयानिया था कि जी इंसाफ सबके लिए है और हम कोई अबव द लॉ नहीं है और हमारी हुकूमत में हमारा भी बंदा पकड़ा जाएगा तो हम नहीं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो मैं समझता हूँ पार्टी की मॉरल ग्राउंड जो है या हुकूमत की मॉरल ग्राउंड इम्प्रूव हुई हैं। दूसरी जो बात है कि एक मतलब अलीम खान साहब तजर्बाकार आदमी थे और वो दो मेन मिनिस्ट्रियाँ थी उनके पास, तो उनके जाने का आप कह लें कि जो जैसे फंक्शनली आप कह लें किसी हद तक जरूर लॉस होगा, लेकिन पार्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं समझता हूँ हमें इस ये जो गुलामी वाली जहन है ना कि ये मियाँ साहब नहीं होंगे तो ये छोटे मियाँ साहब नहीं होंगे तो ये जरदारी साहब नहीं होंगे, जिसमें भुट्टो का खून नहीं होगा तो ये मतलब आप कह लें वो नालायक होगा या वो हुकूमत नहीं चला सकेगा या उसका हुकूमत हक नहीं बनता और फलाना बेचारा है, मतलब ये सजती फलाने को है। भाई मतलब ये जो बातें हैं गुलामी वाली, ये बातें जमहूरियत में नहीं होती। जमहूरियत जो है लोगों को पालिश करती है, जुडिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स के काबिल करती है, और आप कह लें कि ये मतलब ये खिदमत खलक होती है। इसमें किसी का जाना या आना खिदमत खलक में से ये मतलब जिसको भी इजाज़त मिले वो करे, जिसको नहीं मिलती या आइन नहीं इजाज़त देता, मैंडेट नहीं इजाज़त देता, वो उसको नहीं करनी चाहिए। लिहाजा यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप देखते हैं ना कि पार्टी को या हुकूमत को, तो मुझे मतलब एक तो ये उम्मीद है कि अपना अलीम खान साहब सुरखरू होंगे, साबित करके आएंगे कि मैं करप्ट नहीं हूँ, तो वो अगर सुरखरू होते हैं तो ये पूरे आप कह लें कि सियासतदानों का भी फायदा है और पीटीआई का भी फायदा है, और अगर ये नहीं करते तो फिर भी पार्टी का जो मॉरल एलिवेशन हुई है वो आप कह रहे हैं फायदा है का। सो 21 करोड़ का जो मुल्क है ये किसी एक आदमी, दो आदमी, दस आदमी की मुसीबत को कम मैटर करता है। यहाँ पे कानून और आयन की हुक्मरानी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे ही लेके चलना होगा। लिहाजा आज से यहाँ मैं समझना ये वो दौर है कि जिसमें आप पहले हम ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहे हैं, हम हर बंदे को कानून के नीचे लाने की बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये तारीखी दिन है और तारीखी दौर है, इस मामले में सुरखरू होंगे। राहिला साहब,
आज नून लीग की जानिब से मिठाइयां भी तकसीम की गई। नून लीग को या पीपल्स पार्टी को इस गिरफ्तारी से कोई फायदा होता दिखाई दे रहा है? देखिए ऐसे जरा मैं दो तीन बातें जो काफी इकट्ठी हो गई मैं उन्हें करना चाहूंगी। एक तो मेरे भाई ने यहाँ पे बात की बहुत हाई मॉरल ग्राउंड की बात की, तो आपके हाई मॉरल ग्राउंड्स तो हमें तब नजर आते जब आप अलीम खान साहब के ऊपर जब केसेस बन चुके थे तो वो सीनियर मिनिस्टर ना बनते, वो आपकी पार्टी के ओहदे से भी इस्तीफा देते तब आपकी ग्राउंड बनती ना। अगर आप सीनियर मिनिस्टर बनकर आप जनाब हुकूमत को इंजॉय करने के बाद आप उसको बलि का बकरा बना रहे हैं, उसके बाद आप अपनी हाई मॉरल ग्राउंड्स आप आवाम को सुनाएंगे तो ये बात गलत है। अब हकायक सबके सामने है, दुनिया सब कुछ देखती है, ये बात कतन अब जो है काबिले बर्दाश्त वाली नहीं है कि आप ये बात कहें कि जनाब हमारी बड़ी हाई मॉरल थी तो इसके ऊपर बात की। दूसरी बात मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे जमशेद भाई जो बैठे हैं और अजहर साहब जो बैठे हैं उनके क्लाइंट हैं अजहर साहब के जनाब अलीम खान साहब और इनके पार्टी के सीनियर वजीर हैं जमशेद साहब के साथ, तो इनकी आज की गिरफ्तारी पर ये दोनों गुस्सा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ऊपर क्यों निकाल रहे हैं? मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज है कि आज जब इनको अपनी सफाई देनी है, आज जब इनको बताना है कि जनाब केस क्या है, इन सब बात क्या है, अलीम खान की गिरफ्तारी हो जाएगी हम एहतसाब को मान लेंगे। मैं आपसे यानी आप ये देखिए ना ये तो बैठे ये बात देखिए अकाउंट पे करनी चाहिए, आप अंदाजा लगाएं, आप कहते हैं मैं गिरफ्तार हूं, आज आपका गुस्सा जायज बनता है ना, आज आपका गुस्सा जायज बनता है आपकी पूरी कोशिश के बावजूद, आपकी पूरी कोशिश के बावजूद नैब ने आपकी नहीं सुनी, आपके क्लाइंट को गिरफ्तार कर लिया ना, नहीं करेंगे बात तो जेन्युइन अजहर साहब बात तो जेन्युइन कर रही हूँ, बात तो हकीकत में मबनी, आज आप गुस्सा ना आप लोग इदारों को बदनाम करते रहे हैं, इदारों को मलाई करते रहे हैं, गिरफ्तार गिरफ्तार कर रहा है जो इमरान खान के अंदर है, क्यों इदारों को मलाई नहीं करते, के प्रेशर के अंदर वो इदारा है, आपको गिरफ्तार उन्होंने किया है और आज आप प्रोग्राम में बैठकर गुस्सा निकाल रहे हैं और पीपल्स पार्टी के ऊपर, इट्स अ वेरी 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 शॉकिंग न्यूज़ फॉर अस, करना पड़ेगा सर भाई, तुम पहले तुम जो भागे बैठे हो जाके आपको पेश करो, आज आपको नैब के बारे में भी जो आपका मौका इससे पहले था आज हमारे मौकफ को से तकवीत मिली है कि वो प्रॉपर नहीं आप बराबर आज वही बात कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कर रही थी, हम तो वही बात कर रहे थे, आज शकुनिया में आ गया इमरान खान साहब के प्रेशर में आकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो आज आप शोर में जा रहे हैं और उसका गुस्सा सारा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी कहते जी जरूर। देखें इन्होंने कहा कि आप पहले कि अलीम खान को सीनियर मिनिस्टर क्यों बनाया गया जब पता था करप्ट है, अलीम खान सब जलसे में खड़े होकर एक बात बड़ी जोर से करते थे कि मैं अपोजिशन में हूं, मैं लाहौर में जॉब लाहौर में बिजनेस करता हूं और मेरे 10 साल से मेरे मुहालफों की हुकूमत है, मुझे आज तक उन्होंने पूछा नहीं है और हम समझते डेफिनेटली और ये बनता भी यही था, या तो कहें कि अलीम खान पे इल्जाम गलत है, या तो कहें कि अलीम खान पे इल्जाम गलत है और अगर इल्जाम ठीक है तो फिर आपकी हुकूमत ने जो नहीं पकड़ा तो इसका मतलब है कि आपकी हुकूमत जो है दो नंबर काम करती है, अलीम खान तो बात नहीं, कोई गिरफ्तारियां हो रही है, अच्छा नहीं न्यूज़ में के बारी मेरी थी और उसमें सबने इंटरेस्ट दिया, सबने हिस्सा डाल दिया, हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के, मेरी बहन का जवाब दे लेने दे, देखे बड़ी सिंपल सी बात है, बात बड़ी हो रही है इदारों को मलाइन करना, शहबाज शरीफ साहब को असेंबली के फ्लोर पे मलाइन करते रहे प्रोडक्शन ऑर्डर लेकर और वीआईपी शहबाज के सामने चीजें अपने हक की बात कर रहे हैं, हम हक की बात करें तो वो गलत, आप अगर हक की बात करें तो बिल्कुल ठीक नहीं आजर साहब, दैट इज नॉट फेयर, फिर आज आपको भी हक की बात करनी पड़ेगी, आज आपको भी हक की बात करनी पड़ेगी, आज फिर अपने क्लाइंट को यहाँ पे वकालत भी आप करेंगे, आप हमजा शरीफ साहब कहते थे कि अगर अलीम खान को अच्छा गुस्सा गुस्सा आपका फिर भी मुस्लिम लीग नून पर है, आप इमरान खान से आज पूरी आज आकर कहें कि एहतसाब कानून के मुताबिक हो रहा है, मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, क्यों नहीं ये कहते हैं अगर बात आप छोड़ दे सियासी बातें, आप कहें जो शहबाज जो हमजा ने कहा था कि अगर अलीम खान को पकड़ा गया तो एहतसाब कानून के मुताबिक हो रहा है, आज कहें अगर क्यों नहीं कहते हैं, मेरी बात वहीं पर कहें अगर
कि आपका क्लाइंट को गिरफ्तार किया है, जो अंडर प्रेशर है, आज आपकी पसंदीदा राहिला साहब आपके क्लाइंट आज दोनों को दोबारा से जरूर मौका मिलेगा हसन साहब को प्रोग्राम में शामिल करने दें। हसन साहब, सलमान गनी साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सलमान साहब, नहीं हसन साहब, मैंने तो नहीं कहा कि कहीं अलीम खान की गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारियों का पेश खैमा तो नहीं है, ताकि ये कहा जा सके कि जी जो साहब का अमल है वो गैर जानिबदार हो रहा है। सलमान गनी साहब, मैं पहले तो आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ, और बड़ी मुद्दत के बाद आपसे बजरिया फोन मुलाकात हो रही है, और आप बड़े मेहरबान हैं और जानते भी हैं। देखें जी, बड़ी और छोटी गिरफ्तारियों का कोई नहीं है। हमने 11 साल जेल काटी, सुरखरू हुए, जैसे मेरे भाई जमशेद साहब भी कह रहे थे कि इंशाल्लाह ताला अलीम खान सुरखरू होंगे और फिर वो वापस पार्टी में आएंगे। तो जरदारी साहब 11 साल के बाद आपकी अदालतों से, पाकिस्तान की अदालतों से सुरखरू होकर वापस आए, लेकिन आप उनकी सुरखरू मानते नहीं हैं आज तक। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पे इल्ज़ाम होता है जी गुलामी, गुलामी एक लफ्ज़ इन्हें आ गया है गुलामी का, तो हमारी कोई गुलामी नहीं है जी। हम तो असूल की बात करते हैं कि ग़ुलाम तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत बनाने के लिए सारे इधर उधर के लोग भागे दौड़े हुए चोर चकार इकट्ठे करके अपनी गवर्नमेंट बना ली। कभी जनूबी पंजाब माज सूबा माज के नाम पर लोगों को इकट्ठा कर लिया, कभी पार्टी की वफादारियाँ खरीद ली, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नमेंट ना बनाने दी गई, ये सारा कुछ मावराए आइन होता रहा और पीटीआई जो है वो सुरखरू होती रही। कितना अच्छा होता कि अलीम खान साहब के साथ आज ये जो कुछ हुआ है, सारे रजाकराना तौर पर काफ़ी सारे चोर इनकी पार्टी में मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ अलीम खान से ख़तरा ये था कि उस्मान बुज़दार जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है और ये ताकतवर होता जा रहा है, ये शायद हमारे हांकने से उस तरह हुकूमत ना करे, शायद ये बनी गाला से गाइड ना हो सके, तो क्यों ना इसको वसीम अकरम पर कुर्बान कर दिया जाए और पंजाब के वसीम अकरम को बचा लिया जाए। सलमान साहब, ये तो मुश्किल से ऐसा होता है कि ऑपोजिशन एक पेज पर आ जाए, लेकिन आज तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो दोनों एक ही जुबान बोल रहे हैं। ये एक ही है, सड़कों पे घसीटना, नहीं मैं गिरेबान से बगड़ना और सरदारी साहब का कहना सियासी वो छोड़ देना, नहीं तो आप ने आज के जो बयान आ रहे हैं वो आपके जनाब कैसे रहे हैं, आप ही जिनको डाकू कहते रहे, आप ही डाकू कहते रहे, चोर कहते रहे, कातिल कहते रहे। पॉइंट स्कोरिंग की बात तो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदा होती है, लोगों के अब मेरा टाइम था, मैं बात कर रहा था, सुनता हूँ कि सारे चोर लूट करेगा इस्तीफा, तो ये सबके लिए डिमांड कर रहा, मैं बात कर रहा था और मेरे टाइम में इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हसन साहब हम आपसे आगाज करेंगे ब्रेक।